चंदौली पुलिस एवं ग्राम्या संस्थान के संयुक्त प्रयास से किशोरियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए थाना परिसर नौगढ़ में किशोरियों को ब्यूटी पार्लर एवं सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने इसका निरीक्षण किया। इस अवसर पर किशोरियों को जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस कड़ाके की ठंड में 100 स्वेटर वितरण किया। इस दौरान जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने कहा कि किशोरियों के स्वरोजगार के लिए बेहतर प्रयास किया जा रहा है, इससे किशोरियों के हाथ में विश्वास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि किशोरियों के स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन किशोरियों को सरकार की अन्य योजनाओं से भी जोड़ा जा सकता है एवं इस क्षेत्र में किशोरियां भी इच्छुक होंगी तो उनके लिए अगला बैच शुरू होगा। ग्राम्या संस्थान के निदेशक बिंदु सिंह ने कहा, आज निर्भया दिवस है, किशोरियां आत्मनिर्भर बने और सशक्त बने ताकि उनके साथ निर्भया जैसी घटनाएं न हो, इन्हें भी समाज में बराबरी का मौका मिले और अपने पैरों पर खड़े हो सके, इसी उद्देश्य के साथ इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान सुहानी, सरस्वती, गुंजा, अंजलि, काजल, ममता आदि मौजूद रहे। जिला चंदौली से ब्यूरो चीफ यासीन खान की रिपोर्ट। यहाँ पर उपस्थित मीडिया के मेरे साथी, मैं सबसे पहले कप्तान साहब और पुलिस विभाग को इस अभूतपूर्व पहल के लिए बधाई देना चाहूँगा। मैं बहुत खुश हूँ कि आज इस प्रकार की एक पहल यहाँ नौगढ़ जैसे दूरस्थ क्षेत्र में, जनपद के जो कि एक प्रकार से कठिन एरिया भी है आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, यहाँ पर इतने लगन से कोई पढ़ा रहा है, कोई सीखने आ रहा है और साथ में जो इसके आयोजक है यहाँ पर, खास करके ये इस थाने के जो थाना अध्यक्ष होंगे, यहाँ के जो CEO है, एडिशनल SP साहब है, SDM साहब है, आप लोगों की इस पहल और आप लोगों की मेहनत और जो हमारे साथ खास करके जो ट्रेनिंग पार्टनर के तौर पर बिंदु सिंह जी और इनकी टीम है, इनके जो दोनों ट्रेनर्स हैं, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा। और जहाँ तक अभी काफ़ी है कि जब आप सब लोग यहाँ आए, आपने कुछ सीखा और अभी आप आने वाले समय में और भी सीखेंगे, एक पूरा कोर्स आपका कंप्लीट होगा। मुझे यकीन है कि उस समय जब आप इसको समाप्त करेंगे, आपका प्रशिक्षण पूरा होगा, तो उस समय तक आपकी क्षमता इतनी हो जाएगी कि कम से कम आप अपना एक व्यवसाय शुरू कर सके। अगर व्यवसाय एक ज़रूरी नहीं है कि एक ब्यूटी पार्लर, मतलब कि एक शॉप या दुकान किराए पे लेकर उसमें कुछ चलाना है या कुछ करना है, या घर पे कोई दुकान खोल के उसको चलाना है, आजकल सारी चीज़ें जो है वो डोर टू डोर होती है। इन द सेंस इसका मतलब ये है कि आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में जब भी कोई शादी है, कोई त्यौहार है, कोई ब्याह है, इस प्रकार का कोई भी आयोजन हो, तो हाँ आप जा सकते हैं। अगर आप अपना काम अच्छा करें, अपना प्रचार प्रसार अच्छे से करें और अगर आपका काम लोगों को पसंद आता है तो धीरे धीरे लोग ही आपको खोजेंगे और आपकी जितना आप अनुभव प्राप्त करेंगे उतना अच्छा आप कर सकते हैं। अपना काम थोड़ा बड़ा कर लेता है, फिर मेरे ख्याल से इसके और भी कुछ एडवांस तकनीक होती है तो वो और आप उसमें पुष्टिकरण कर सकते हैं और भी प्रमाणीकरण और भी सर्टिफिकेशन हो सकता है। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि ये जो कोर्स आप अगर पूरा कर लेंगे तो एक बेसिक आपको पूरा आ जाएगा ब्यूटी पार्लर और उससे रिलेटेड जितनी भी लोगों की डिमांड होती है या रिक्वायरमेंट होती है उसमें आप पारंगत हो जाएंगे। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि बहुत ज़्यादा आप ये ना सोचें कि दुकान कहाँ से आएगी, किराया कहाँ से आएगा, कैसे हम चलाएंगे। पहले शुरुआत छोटे छोटे कदम से शुरू करिए। आप अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, अपने घर पे ही, मेरे ख्याल से जब ट्रेनिंग होती है तो आपस एक दूसरे का ही किया जाता है ना, थ्रेडिंग वगैरह, तो इसी प्रकार से पहले तो सारे घर वालों को निपटा दीजिए, फिर अपने सारे दोस्तों को निपटा दीजिए, ठीक है। जैसे जैसे इतने 10 लोगों का कर लेंगे ना तो डेफिनेटली आपके पास कस्टमर अपने आप आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपके जो 10 लोगों को आपने जिसमें मुफ्त में किया है वो बताएंगे सबको कि मेरी एक सहेली है, मेरी एक बहन है, मेरी चचेरी बहन है, मौसेरी बहन है, जो ये सारे कार्य और कर्मचारीगण यहाँ उपस्थित हमारी बंधु। सबसे पहले मैं नौगढ़ की जो टीम है, एडिशनल SP ऑपरेशन साहब, SDM साहब, CEO साहब जो आज मौजूद नहीं है, SHO भी छुट्टी पे हैं, इस पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा और नेक काम आपने किया है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे घरों में हमारी माताएं, बहनें बिना कोई छुट्टी लिए लगातार काम करती हैं,
फिर भी अगर कोई नौकरी नहीं करती है तो हम उसको बेरोजगार मानते हैं, जबकि चाहे बीमार हो या कुछ भी हो, बिना कोई अवकाश लिए, बिना कोई बहाना किए, घर में काम हमारी माताएं और बहनें लगातार करती हैं, सब हम सब लोग जानते हैं। लेकिन चूंकि उनके इस काम का आज के आर्थिक युग में कोई पैसे के रूप में कोई महत्व नहीं आंका जाता है, और यही वजह है कि उनके काम के महत्व को कम कर दिया जाता है। 24 घंटे काम करने के बावजूद अगर नौकरी नहीं करती है तो बेरोजगार माना जाता है, और यही एक सबसे बड़ी वजह होती है कि महिलाएं जो है हमारे समाज में, वो दूसरों पर यानी अपने परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर हो जाती हैं। उनको अगर अपनी जरूरत के लिए, किसी भी जरूरत के लिए पैसे की आवश्यकता होती है तो दूसरों पर निर्भर हो जाती हैं, और उससे निर्भरता की वजह से उनके आत्मसम्मान का नुकसान पहुंचता है और तरह तरह की समस्याएं उनके लिए खड़ी हो जाती हैं। ये मुझे जो समझ में आता है सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए हमें लगा कि अगर हम आपको इस काबिल बना सकें कि आप कुछ ऐसा काम कर सकें जिससे आपको आय हो सके, तो हम आपको सशक्त बनाने में सफल हो सकते हैं। इसमें चुनौती ये भी थी कि आप में से हर कोई अपने गांव से बाहर निकल के काम कर पाए, ये संभव नहीं है, सबके लिए संभव नहीं है। इसलिए हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीज सोच रहे थे कि आप अपने गांव में, अपने समाज में, आसपास रह के ही कुछ ऐसा काम कर सकें जिससे आपको कुछ आय हो सके। और जब हम टीम के साथ डिस्कस कर रहे थे, उसी समय ग्राम्य संस्थान के पदाधिकारियों से जब हमारा संपर्क हुआ तो आपने हमें बताया कि इस तरह के कुछ कोर्सेज आपके दिमाग में हैं, और हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने उसी समय कहा कि इसको तुरंत शुरू करिए, इसके लिए जो भी सहयोग की जरूरत होगी वो हम करने को तैयार हैं। और मुझे खुशी हुई कि आपने इस प्रोग्राम को बड़ी तेजी से और बड़े अच्छे से करवाना शुरू कर दिया है। जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ